Hi guys, just today I saw the Kriti Sanon skincare routine by scrolling my YouTube. So I thought, why not? So today we will be redoing her skincare routine in a budget. So let's get started. So step one, we have to dip our face in iced water to eliminate the puffiness and oil from the skin. So give me a second. I have my iced water with me, so let me dip my face for at least I don't know for how much time. Main kitni der kar sakti hu. Let's give it a try. It's difficult and I'm doing this very first time. Okay, I am done with this, but main I think mushkil se overall 3-4 मिनट ही कर पाई बिकॉज मुझे ऐसे फील होने लगा कि मेरा फेस सुन होने वाला है. सो या अगर आप ठंडी जगह में रहते हो तो आई डोंट थिंक आपको सर्दियों में ये करना चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू इज फेस मास्क. मैं आज यूज करने वाली हूँ वाउ स्किन का 24 कैरेट गोल्ड फेस पैक फॉर ग्लो बूस्टर एंड कम्प्लीशन इनहेंसर. सो आई विल बी यूजिंग दिस. चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं हम जल्दी से. हम 15 मिनट इसे रखते हैं देन वॉश करेंगे. सो आई हैव वॉश माई फेस. सो स्टेप नंबर 3 इज आई मास्क. मैंने ये आई मास्क, इट्स अ DIY आई मास्क. और अगर आपको जानना है कि मैंने आई मास्क कैसे बनाया है तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मैं ये DIY आई मास्क का रेसिपी आपके साथ यूट्यूब शॉर्ट में शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. ये आई मास्क विल हेल्प टू रिड्यूस दी यू नो डार्क सर्कल्स एंड इवन फाइन लाइन्स अंडर योर आईज. अगर आप वर्किंग वुमेन भी हो सो आई थिंक आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार आई मास्क अप्लाई करना चाहिए. इट इज गुड फॉर योर आईज. नंबर 4 इज टोनर. सो उन्होंने जो टोनर स्प्रे किया है इट इज अ मिक्सचर ऑफ रोज वाटर एंड ग्लीसरीन. एंड या अगर आप कोई क्ले मास्क यूज करते हो या अगर आप मुल्तानी मिट्टी पैक यूज करते हो सो आप उसके अंदर भी ग्लीसरीन या रोज वाटर एड करके आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर योर फेस एंड स्किन. काफी ज्यादा ग्लो आ जाता है एंड आपको काफी फ्रेशनेस फील होती है. द स्टेप नंबर 5 इज सीरम. एंड फॉर सीरम आई एम यूजिंग दिस नेचर डर्मा 10% नाइसिलामाइड एंड जिंक सीरम. एंड मैं ये सीरम आई थिंक 3-4 महीने से यूज कर रही हूँ. एंड मेरी एक एडवाइस है आप सबको, अगर आप बिगनर भी हो तो अगर आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो सो एटलीस्ट आप उसे कुछ मंथ यूज करके उसके बेनिफिट ऑब्जर्व करो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर प्रोडक्ट आफ्टर एवरी 2-3 डेज. सो आफ्टर सीरम शी वॉज अप्लाइंग सनस्क्रीन, अ मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन. एंड उन्होंने कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं किया था. सो फॉर दैट आई एम अप्लाइंग दिस मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्रो सनस्क्रीन विच इज वेरी गुड फॉर विंटर्स. सो आई एम टेकिंग दिस मच ओनली. लेट्स डू दिस. द स्टेप नंबर 7 एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द स्किन केयर रूटीन इज लिप बाम. सो मैं यूज करने वाली हूँ, आई हैव दीज टू लिप बाम राइट नाउ, बोरोलिन लिप. इट्स नॉट अ लिप बाम एक्चुअली, इट्स अ क्रीम, बट आप इसे अपने लिप्स पर यूज कर सकते हो. या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रीडूइंग ऑफ अ स्किन केयर रूटीन. अगर आप ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हो सो कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक सच वीडियोज फॉर यू. एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.